के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में अपराधियों ने एक बार फिर जमकर अपना तांडव दिखाया है। पूरी घटना रक्षाबंधन के दिन घटी हुई है, जहां पर रक्षाबंधन के दिन ही अपराधियों ने एक युवक गोली मारकर आसानी से फरार हो गए हैं। पूरी घटना गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के लदी बाजार के युवक के साथ घटी हुई है, जहां पे गांव के कुछ लोगों द्वारा उस युवक को किसी काम को लेकर कहीं ले जा रहे थे, तभी उस युवक को हुई गांव के लोगों द्वारा पीछे से गर्दन में गोली मार दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उस युवक को गोरियाकोटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तुरंत सिवान के सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल से भी प्रथम उपचार कर गोरखपुर रेफर कर दिया है। युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, युवक के गर्दन में गोली लगी हुई है। पूरी घटना जो है गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार निवासी स्वर्गीय उदय चौधरी के पुत्र दीपक कुमार चौधरी के साथ घटी हुई है। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार चौधरी के गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, उसी के लोगों के द्वारा कल उनको बहला फुसला कर कहीं ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में ही उन लोगों द्वारा दीपक को गर्दन में गोली मार दिया गया। इस समस्या की स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है, फिलहाल उनका इलाज जो है गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गोरियाकोटी के थाना प्रभारी पंकज कुमार ठाकुर घटना स्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पहले से इन दोनों लोगों में विवाद चला था, उसी बात को लेकर गोलीबारी से घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जिस तरह बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, दिन दहाड़े अपराधी किसी को टारगेट कर रहे हैं तो किसी के साथ लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहे, तो किसी के साथ गोलीबारी से घटना को अंजाम दे रहे, तो किसी को हत्या कर दे रहे हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। जिस तरह सिवान के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रक्षाबंधन के दिन एक युवक गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, देखना होगा इस मामले में सिवान पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक अपराधियों के पास पहुंच पाती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिर से बता दें कि बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार के दीपक कुमार चौधरी को गांव के कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक अपराधियों के पास पहुंच पाती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार घटना के बाद तमाम लोग सिवान के सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं।